गुड आफ्टरनून, हैदराबाद सिटी पुलिस साइबर सेल के तरफ से पिछले 48 आवर्स में कुछ ऑपरेशन कंडक्ट किए गए, जिसके तहत इलीगल माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के बारे में पता चला। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में साइबराबाद और सिद्दीपेट में दो सुसाइड केसेस का रिपोर्ट हुआ, जिससे पता चला कि कुछ इलीगल कंपनी लोन देती है और लोन के बाद उसको रिकवरी के दौरान जो क्लाइंट है उसको डिफेम करती है, उसके कॉन्टैक्ट्स में, उसके फैमिली मेंबर्स में, उसके फ्रेंड सर्किल में, और कभी कभी ये इस लेवल तक जाता है कि ये डिप्रेशन वो क्लाइंट बर्दाश्त नहीं करते हैं और सुसाइड भी कर लेते हैं। पिछले कुछ समय में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैदराबाद ने 16 एफआईआर्स बुक किए हैं, जिसमें कि ये अनरेगुलेटेड माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं और बिना उनके परमिशन के, बिना उनके गाइडलाइंस के ये इलीगल ऑपरेशन कर रहे हैं। इसमें हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस के द्वारा साइबर सेल को ये इंफॉर्मेशन आया और दो जगह, खास करके उद्योग विहार गुरुग्राम हरियाणा स्टेट और तीन लोकेशन हैदराबाद में, जहां से कॉल सेंटर रन होता था, वहां पर रेड किया गया। इस रेड के दौरान पता चला कि क्लाइंट को हरास करने के लिए, उनको इंटिमिडेट करने के लिए, डराने के लिए एक ऐसा माहौल पैदा करते थे ये लोग, जिसमें कि कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए। जिस कंपनीज का नाम अभी तक बाहर आया है इन्वेस्टिगेशन में, उसमें ल्यू फैंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, हॉटफुल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, पिनप्रिंट टेक्नोलॉजीज एंड नैबलूम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम सबसे ऊपर है। अनकन्फर्म रिसोर्सेज के मुताबिक, इंफॉर्मेशन के मुताबिक, ये सब कंपनी बैंगलोर में रजिस्टर्ड है। इसके जो डायरेक्टर्स जिनका नाम अभी तक बाहर आया है, उसमें जीवन ज्योति, सेल्वराज सिंगी, रवि कुमार मंगला और वेंकट के नाम है। हैदराबाद में जो कॉल सेंटर रन हो रहा था, उसमें लगभग 600 टेली कॉलर्स काम कर रहे थे और गुड़गांव में जो कॉल सेंटर काम कर रहा था, उसमें 500 के लगभग टेली कॉलर्स काम कर रहे थे और उसमें से कुछ लोगों ने, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उसमें बिंदु रानी एचआर मैनेजर रेवाड़ी हरियाणा, ज्योति मल्लिक सीनियर मैनेजर हरियाणा, अमित मैनेजर गुरुग्राम, रमनदीप सिंह मैनेजर न्यू दिल्ली, प्रभाकर धंगवाल डायरेक्टर न्यू दिल्ली, मधुबाबू सिंघी सेंटर हेड हैदराबाद, मनोज कुमार सिंघी मैनेजर हैदराबाद, महेश कुमार सिंघी एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद, तरुण सेंटर हेड हैदराबाद, पवन कुमार टेक्निकल हेड हैदराबाद, जीवन ज्योति एचआर मैनेजर हैदराबाद। इन लोग सबके ऊपर 420 आईपीसी 66 डीआईटी एक्ट, इम्पर्सोनेशन 384 एक्सटॉर्शन का केसेस का मुकदमा लगा है। जैसा कि आप जानते हैं, इस इंफॉर्मेशन में कुछ फॉरेन लिंक्स का भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेफरेंसेस आ रहा है। एक तो कुछ हेड शायद इंडोनेशिया के रहने वाले हैं और ये पूरा ऑपरेशन में एक चाइनीज नेशनल का भी हाथ होने का संभावना है। जैसा कि आप जानते हैं, जो गुड़गांव में जो रेड हुआ, उसमें एक चाइनीज नेशनल का पासपोर्ट का कॉपी भी मिला। ये बेसिकली एक कलर प्रिडिक्शन गेमिंग ऐप स्कैम के तहत है और अभी तक जो सीजर हुआ है, उसमें लगभग 700 लैपटॉप्स, सर्वर्स, कंप्यूटर्स, इन सब का सीजर हुआ है अपनी टीम के द्वारा। उसके एनालिसिस के बाद पता चलेगा कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मनी का फ्लो कैसे होता है, इनवर्ड आउटवर्ड क्या लिंक रहता है, ये सब हमारे इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा।
तो ऐसे मौके पे मीडिया के तरफ से, प्रेस के तरफ से पब्लिक को मैं अपील करता हूं कि इस तरह का जो शॉर्टकट मेथड ऑफ लोन है, जो बोलते हैं कि बस एक फोन कॉल पे आपको लोन मिल जाएगा, इसके लालच में नहीं आए। जो प्रॉपर रिप्यूटेड कंपनीज हैं उसी के थ्रू से काम करें। और अगर कोई आपको डाउट है तो हमारे साइबर सेल या डायल 100 या लोकल पुलिस स्टेशन को फौरन बताएं, जिसमें कि हम लोग इमीडिएटली एक्शन लेंगे। और आने वाले समय में इस तरह की चीज का ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस होना चाहिए, खास करके जब आप कोई एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से या किसी से डाउनलोड करते हैं, तो बिना किसी समझ के हर चीज को आप यस नहीं टिक करें। उसमें आपका पूरा कॉन्टैक्ट चला जाता है, आपका पूरा आइडेंटिटी एक तरह से उसका कॉपी दूसरे के पास रहता है, जिसका मिसयूज किया जा सकता है। इसमें भी वही होता था, कॉन्टैक्ट डिटेल कॉपी करने के बाद अगर लोन का डिफॉल्ट हुआ तो पूरे कॉन्टैक्ट में इसको डिफेम किया जाता है क्लाइंट को, जिससे कि बहुत शर्मिंदगी होती थी कुछ लोगों को, और एज ए रिजल्ट दो लोगों ने खुदकुशी भी कर ली। ये पूरे ऑपरेशन में हमारे एडिशनल सीपी क्राइम शिखा गोयल और हमारे ज्वाइंट सीपी डीडी अविनाश मोहंती के कोऑर्डिनेशन में दोनों जगह का ऑपरेशन हुआ, और इसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करके फाइनली फाइनल स्टेज तक भी ले जाएंगे। थैंक यू।